नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। श्री कृष्ण ने जरासंध के रथ पे कब्जा किया, अपना गरुणध्वज उस पर लगा दिया। सहदेव ने, जो जरासंध का पुत्र है, जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव है, जो पांडवों में सहदेव, उनसे तो हम परिचित हैं, लेकिन एक नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं। सहदेव ने अपने पिता के कर्मों के लिए माफी मांगी है, उनको अभयदान दिया है, और उसके बाद अभिषिक्तो महाबाहु जारसंधि महात्म भी, उसका वहां राज्याभिषेक करवाया है। मगध देश का राजा उसी को बनाया है, मगध देश को जीत लिया। लेकिन जो उत्तम राजा हुए हैं, चाहे रघुवंश में रघु का वर्णन आए या यहां पे इनका वर्णन आए, किसी के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया करते। देखिए, बहुत बड़ा पूरा देश जो है आज, जिसको हम भारत देश कहते हैं, अगर एक दिल्ली से इसका शासन करना हो तो बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन छोटे छोटे राज्यों में वो विभक्त है, तो सब राज्य अपने हिसाब से अपना कार्य करते रहते हैं और नीतियां जो हैं केंद्र में बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपना अपना राज्य करते थे, और जो सम्राट बनता था, जैसे युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तो सम्राट बनेंगे, तो उनको टैक्सेस दिए जाते थे, उनको कर दिए जाते थे, और कोई निर्णय अगर वो लेते हैं तो वो सबको मान्य रखना होता था। यही पद्धति थी। सहदेव को राजा बना करके कृष्णस्तु सह पार्थाभ्याम श्रिया परमया युतः रत्नान्यादाय भूरिणी प्रययो पुरुषर्षभ। कृष्ण जो है पार्थाभ्याम, कुंती के दोनों पुत्रों के साथ में, और बहुत सारी धन संपत्ति वहां से दान में मिली, वो सब लेकर के और प्रस्थान करते हैं। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि जब ये लोग वहां पहुंचे हैं जाके युधिष्ठिर के पास, त्वाम प्राप्य पुरुष व्याघ्र भीम सेने ने पातिता मार्गदौ सो बलोन्मतो जरासंध प्रतापवान। बड़े प्रसन्न है युधिष्ठिर और कहते हैं आपकी वजह से, कृष्ण से कहते हैं कि आपकी वजह से त्वाम प्राप्य पुरुष व्याघ्र भीम सेने ने पातिता। भीमसेन के अकेले के बस का ये काम नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से ये कार्य भीमसेन कर चुके हैं, कर पाए हैं। और जो राजसू यज्ञ करने, जिससे कि दो बार तो अपना मन हटा चुके हैं है? युधिष्ठिर, राजसूयम कृतु श्रेष्ठम प्राप्स्यामी विगत ज्वरा। अब मुझे विश्वास हो गया है, विगत ज्वरा, अब इसके जो संकट है वो सारे संकटों के बादल इस पे से दूर हो गए हैं, और अब मुझे भरोसा हो गया है कि मैं राजसू यज्ञ कर पाऊंगा। त्वद्बुद्धि बलमाश्रित्य यागार्होस्मि जनार्दन। हे जनार्दन, हम तो आपकी ही इस बुद्धि के बल के आश्रित हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर जो है कृष्ण का बड़े मनोयोग से स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। उस सभा में सब एकत्रित होकर के ये निर्णय लिया जाता है कि भाई जरासंध की तो बात खत्म हो गई, वहां जो राजाओं पे विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने भी इस चीज को, जरासंध को मारा, तो जो बंदी थे राजा वो तो अपने आप ही आपके अधीन हो गए हैं, तो उन राजाओं को विदा किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं राजसू यज्ञ में पूरा सहयोग करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी युधिष्ठिर की सेना तैयार हो गई। महाराज युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर पाए, उस यज्ञ में सभी राजा शामिल हों, ये इसका नियम है। राजा असूयते यत्र सह राजसूया, राजाओं की ईर्ष्या जहां समाप्त तो हो जाए वो राजसू यज्ञ है। यानी आपके विरोध में कोई भी राजा खड़ा ना हो पाए। राजाओं की ईर्ष्या समाप्त तो नहीं हो सकती है, लेकिन राजाओं की ईर्ष्या, क्योंकि आपसे ईर्ष्या करके वो करेंगे क्या, आपके सामने वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो राजी राजी नहीं, गैर राजी, आपके प्रति किसी भी राजा को ईर्ष्या ना रह जाए तो आप राजसू यज्ञ कर सकते हैं। ये निर्णय लिया गया, तभी महर्षि वेदव्यास वहां के पहुंच जाते हैं। साधु साध्विति कौनते दिष्टयाते बुद्धि रीदृशी पृथ्वीम अखिलाम जेतुम एको अध्यवसितो भवान।
सारी पृथ्वी पे एक क्षत्र साम्राज्य करने का ये जो आपने निर्णय लिया है, ये आपका निर्णय बड़ा ही सराहनीय है, ऐसा महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर से कहते हैं। और कहते हैं धन्या पांडु महीपाला, महाराज पांडु धन्य। महाराज पांडु ने भी दिग्विजय किया था। महाराज पांडु धन्य है यस्य पुत्रः त्वमीदृशः, जिसके तुम इस प्रकार के पुत्र हुए हो। सर्वं प्राप्स्यति राजेन्द्रो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, इस यज्ञ के करने से आपको सब कुछ मिलेगा। किस दिशा में किसको जाना है इसका निर्णय भी बड़ा सोच समझ के लिया गया है। कहा गया है कि भाई उत्तर दिशा है वो देवताओं से सुरक्षित, वहां बड़े ही देव प्रकृति के लोग रहते हैं जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इस दिशा में अर्जुन को जाना है। प्राचीन भीमों बलशाली प्रयातु भरसरसव, प्राची यानी पूर्व दिशा की तरफ भरत जाएंगे, याम्याम तत्र दिशम यातु सहदेवो महाराज, और याम यानी दक्षिण दिशा की तरफ जो कि यमराज की दिशा मानी जाती है, इसलिए इसको याम्य भी कहते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ सहदेव प्रस्थान करेंगे। प्रतीचीम नकुलो बनता, और प्रतीचि जो पश्चिम दिशा है उस तरफ नकुल जाएंगे। प्रतीचि जो पश्चिम दिशा है उसके लोकपाल बोले जाते हैं वो वरुण है, तो पश्चिम दिशा की तरफ नकुल प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार से तय हुआ है। और चारों दिशाओं की विजय के लिए चारों ये राजकुमार निकलते हैं। स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों को बुला करके, क्योंकि भाई बहुत बड़े काम के लिए दिग्विजय के लिए जाना है, हैं? तो सबको बुला करके बड़ा ही स्वस्ति वाचन और पूजा पाठ के साथ चारों भाइयों को चार दिशा में विदा किया गया है दिग्विजय के लिए। सुनते रहिए महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।